कयामत कायम ना होगी हती के फरात सोने के पहाड़ से खुल जाएगा उस पर लोग आपस में जंग करेंगे और उस सोने को हासिल करने के लिए उसका मालिक बनने के लिए सल्तनतें जंग करेंगीवाम लड़ेंगे इस लड़ाई के नतीजे में हर सौ में से निन्यानवे आदमी कतल हो जाएंगे इट मीन नाइन्टी नाइन परसेंट लोग जो इस लड़ाई में होंगे वो मारे जाएंगे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू मेरा नाम अब्दुल हबीब तारी है और आज एक बार फिर हमारी वेब सीरीज़ क़यामत की निशानियों में एक बड़ी ही अजीबोगरीब गरीब कयामत से पहले होने वाली निशानी हम लेकर आए हैं उसके बारे में आपको बताएंगे और ये बात होगी दरियाए फुरात की दरियाए फुरात एक बड़ा तारीखी दरिया है और ये दरिया एक रिवायत के मुताबिक जन्नत से जारी होता है ये कहाँ लिखा है क्या मालूमात हैं बहुत कुछ बताएंगे और फिर दरियाए फुरात का कयामत के निशानी से क्या ताल्लुक है वो भी आपको बताएंगे मगर उससे पहले दरिए फुरात ही के किनारे तारीख़ का एक ऐसा वाकया इंसाफ की एक ऐसी दास्तान रकम की गई क्या ये आपको वो भी सुनाते हैं कि आपको मालूम हो कि पहले के ज़माने के काजी कितने अमानतदार और इंसाफ के नतीजे तक पहुँचने के लिए किस हद तक जाते थे अल्लाह करे कि आज भी इंसाफ का ऐसा दौर दौरा हो जाए आपको तारीख के औरक की एक सुनहरी कहानी की तरफ लिए चलते हैं मामला ये था कि फ़ुरात के किनारे खजूरों का एक बाग था जिसके मालिक चंद भाई और उनकी एक बहन थी बहन ने अपना हिस्सा अलहदा करके दरमियान में एक दीवार तामीर करवा दी और एक फ़ारसी शख्स को उसकी निगेबानी के लिए मुकर भी कर दिया अब उस शहर के अमीर मूसा बिन ईसा ने उसके भाइयों से उनका हिस्सा सारा बाघ खरीद लिया और इस औरत को भी अपना हिस्सा बेचने को कहा और बड़ी रकम की से ऑफ़र भी दी औरत ने अपना हिस्सा बेचने से इनकार कर दिया तो अमीर ने 500 आदमी भेजकर उसकी दीवार को गिरा दिया और पूरे बाग को तबाह कर दिया अब जनाब ऐसा आज हमारे दौर में भी होता है कि लोग किसी की ज़मीन ख़रीदना चाहते हैं या कब्जा ही कर लेते हैं मगर वो औरत उस ज़माने के बड़े ही कमाल के जज हजरत सैदना शरीक रहा तल के पास आई और सारी कहानी सुना दी और उन, उन्होंने कहा कि मुझ मजलूमा को मेरा हक़ दिलवाया जाए उस मजलूमा की उन्होंने फरियाद सुनी और उस उस लेटर को सील लगाकर हुक्कुम नामा उस औरत के सिपुर्द किया और कहा कि तुम अमीर मूसा बिनिसा के पास जाओ और ये हुकुम नामा उसे देकर कहो कि जज साहब की अदालत में हाजिर हो जाओ औरत वहाँ से निकली और दरबान को उसने जज साहब का पैगाम सुनाया कि जाकर अमीर साहब को बता दें तो मूसा बिन ईसा ने जब हुक्मनामा देखा तो एक ऑफ़िसर से जाकर कहा कि जाओ और जज शरीक के पास जाकर कहो कि एक औरत ने मुझ पर नाहक दावा किया और तुम उसके दावे पर मुझे अदालत में तलब करके उसकी मदद कर रहे हो ऑफिसर को मजबूरन जाना ही पड़ा मगर ऑफ़िसर को मालूम था कि इस्लाम का ये इंसाफ पसंद जज एक मुजरिम का पैगाम लाने पर मुझे ज़रूर कैद में डाल देगा उसे मालूम था कि हमारे अमीर साहब गलत कर रहे हैं और औरत मज़लूम है बहरहाल जाते हुए उस ऑफ़िसर ने अपने गुलामों से कह दिया कि मेरे लिए जेल में बिस्तर वगैरह का इंतज़ाम कर दो क्योंकि आज मैंने जेल जाना है जज साहब ने मुझे छोड़ना नहीं बहरहाल ऐसा ही हुआ कि जब वो ऑफ़िसर जज साहब के पास अपने अमीर का अपने आका का पैगाम लेकर पहुंचा तो जज साहब ने हुकम दिया कि इसे गिरफ़्तार करके कैद खाने में डाल दो जब वो अमीर मूसा बिन ईसा को अपने ऑफ़िसर की गिरफ़्तारी की खबर पहुंची तो उसने अपने दरबान को जज की तरफ भेजा कि आपने हमारे कासिद को गिरफ़्तार कर लिया उसने तो सिर्फ़ पैगाम पहुँचाया था उसका क्या कसूर है अब जो ये जज इस अमीर का ख़ास दरबान वहाँ पर पहुँचा तो जज ने इस पैगाम लाने वाले को भी उसी के साथी के साथ जेल भेज दिया अब मूसा बिनिसा को अपने दरबान ख़ास की जब गिरफ़्तारी की इतला पहुँच गई तो उसने असर की नमाज के बाद कोफा के बा असर और नुमाया लोगों को पैगाम दिया कि जाओ और जज साहब से कहो कि उनको मेरा सलाम भी कहना और उन्हें कहना कि आपने मेरी बेज़ती की है मैं कोई आम आदमी नहीं हूं कोफा के बासर लोगों ने ये पैगाम लिया और जैसे ही जज साहब के पास गए तो वो जज साहब कहते हैं कि तुम्हें एक ऐसे शख्स की तरफदारी करते हुए देख रहा हूँ जो हक पर नहीं है फिर बा आवाज बुलंद फरमाया कि क्या यहां कबीले के जवान मौजूद हैं तो कुछ नौजवान भी आगे आ गए अब जज साहब ने फरमान जारी किया कि एक एक का हाथ पकड़ो और इन सबको जेल पहुँचा दो खुदा की कसम आज की रात ये लोग जेल में गुजारेंगे ताकि आइंदा ये किसी जालिम की तरफदारी करते हुए उसका पैगाम ना लाए। शहर के बड़े लोगों को भी जेल में डाल दिया गया नाजरीन ये कैसी दास्तान है अब अमीर मूसा बिन ईसा को जो उनकी गिरफ्तारी की जब इतला मिली तो रात के वक्त वो ख़ुद जेल आया दरवाज़ा खुलवाया और सारे कैदियों को उसने आज़ाद करवा दिया सुबह जब इंसाफ पसंद जरूरतमंद काजी साहब को मालूम हुआ कि ऑर्डर के खिलाफ अमीर ने आकर सबको रिहा कर दिया है तो कादी साहब ने रजिस्टर मंगवाया और उस पर सील लगाई और तमाम रिकार्ड को घर भिजवा कर खादिन को सवारी लाने का हुक्म दिया और कहा कि अब हम कोफा में नहीं रहेंगे खुदा की कसम हमने अमीरुल मोमिनीन से ये अहदा डिमांड करके नहीं लिया था बल्कि हमें तो मजबूर किया गया था कि हमारी हिफाजत और सरपरस्ती की जिम्मेदारी ली गई थी अब कोफा में इंसाफ़ कायम करना मुश्किल हो गया है लिहाजा मुझे ये अहदा नहीं चाहिए ये कहकर आप रहमतुल्लाह रहा तूफ़ा के उस पुल की तरफ चल दिए जो बगदाद जाता था जब मूसा बिन ईसा को यह मालूम हुआ कि काजी साहब जा रहे हैं तो वो फौरन दौड़ा हुआ आया और कहा कि हजूर आप ऐसा ना करें कुफा छोड़कर आप बगदाद न जाएं। मगर काजी साहब भी काजी साहब थे काजी साहब कहते हैं, मैं उस वक्त तक नहीं रुकूंगा कि जिन जिन को आपने आज़ाद किया है उनको फिर जेल में डाला जाए आखिरकार मूसा बिन ईसा जो अमीर था उसको काजी साहब की यह बात माननी पड़ी और सबको जेल वापस डाला गया उसके बाद हुआ ये कि काजी साहब ने उस खातून को बुलाया और वहाँ अब मूसा बिन ईसी और सामने वो ख़ातून है और उसके बाद वहाँ वो बाकायदा फैसला किया गया और वहाँ पर काजी साहब ने कज़ा कायम की और अमीर मूसा बिन ईसी को जमाने ने मंजर देखा कि उस पूरे जो शहर के अमीर थे मजलूम औरत के बराबर खड़ा किया औरत और से फरमाया कि जिस पर तुमने दावा किया वो तुम्हारे सामने मौजूद है अमीर मूसा बिन ईसा ने कहा ए इंसाफ पसंद काजी अब मैं ख़ुद हाजिर हो गया हूँ तो मेरी वजह से कैद किए जाने वालों को तो आज़ाद कर दें फरमाए हाँ अब उन्हें आज़ाद किया जा सकता है ये कहकर उन्होंने बाकी लोगों की रिहाई का परवाना जारी कर दिया अब फरमाया कि कह मूसा बिन ईसा इस औरत ने तुम पर जो दावा किया है उस बारे में तुम क्या कहते हो अब वो अबीर कहता हैं हाँ ये सच कहती है फरमाया वो तमाम चीज़ें जो उससे ली गई थी वापस की जाएँ और जो दीवार गिराई गई उसे फ़ौरन तामीर करवाया जाए तो अमीर कहता है कि ठीक है मैं फ़ौर ये काम करवा देता हूँ क्या इसके अलावा भी कोई दावा है काजी साहब ने उस औरत से पूछा कि तुम्हारा कोई और दावा है उसने कहा हाँ मेरे सर्वेंट का मेरे मेरे जो काम करने वाला था उसका घर भी गिराया गया है उसका सामान भी टूट फूट गया है अमीर ने कहा कि मैं इसका नुकसान भी पूरा कर देता हूँ इसका भी इजाला कर देता हूँ काजी साहब ने फिर पूछा कि अब कोई दावा कोई क्लेम बाकी है औरत ने कहा अब मेरा कोई दावा बाकी नहीं है अल्लाह पाक आपको अच्छी जजा अता फ़रमाए फिर वो औरत दुआएं देती हुई चली गई नाजरीन ये थे उस ज़माने के काज़ी ये था इंसाफ़ का अंदाज़ अमीर और ग़रीब सब के लिए एक अंदाज़ हुआ करता था अल्लाह करे कि आज भी ऐसा दौर आ जाए और अगर ऐसे लोग हमें सुन रहे हैं जो इंसाफ़ करने के मौके पर होते हैं जो इस सीट पर मौजूद होते हैं अल्लाह पाक उन्हें भी सही मानों में इंसाफ़ करने की तोफ़ी अता फ़रमाए ताकि मज़लूम का हक उसे मिल जाए जी व्यूबर्स आपने ये वाक़ सुना वापस आते हैं नहर फ़ुरात की तरफ नहर फुरात ये वो तारीख़ी नहर है कि जिसको आखिरी नबी सलात सलाम ने महराज की रात देखा और हदीस मुबारक में है कि महराज की रात प्यारे आका अली आकाल सरासलाम कोदरतलमतहा ले जाया गया जो कि बेरी का एक दरख्त है प्यारे आका अली आकाल सरालात ने फरमाया कि उसके फल मकाम हिजर के मटकों की तरह और उसके पत्ते हाथी के कानों जैसे थे वहाँ चार नहरें थीं दो जाहिर और दो पोशीदा मैंने जब्रैल से पूछा कि ये नहरें कैसी हैं तो उन्होंने कहा कि जो दो पोशीदा हैं वो जन्नत की नहरें हैं और जो दो नहरें जाहिर हैं वो नील और फरात हैं अल्लाह दरियाए नील और दरियाए फ़रात जो है ये गोया मुंतहा से जारी होते हैं रिवायतों में है कि दुनिया में मौजूद दरियाओं में सबसे अफजल दरिया सहुन जहुन दजला फराुरात और मिस्र का दरियाए नील है। और उसी दरियाए फरात के बारे में अमीर उम्मीन हजरत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह फरमाते हैं अगर दरियाए फुरात के किनारे एक बकरी का बच्चा भी मर जाए तो मुझे इस बात का खौफ है कि कहीं मुझसे इस बारे में बरोज़ कयामत सवाल ना किया जाए सुहान अल्लाह ऐसे भी हुक्मरान हुआ करते थे कि एक बकरी के बच्चे की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर लेते हैं अल्लाह करे कि आज के दौर के हुक्मरान भी अपनी रियाया का ख्याल रखें बहरहाल उस दरियाए फुरात के किनारे मैदान करबला में नवास रसूल जिगर गोशाए बतूल हजरत इमाम हुसैन अल्लाह तु को शहीद किया गया था इस दरिया का तस्करा कई अहदीस में आया है इसके अलावा आपने बहुत से वाकियात में इसका नाम सुन रखा होगा फुरात का नाम कदीम फारसी के लफ्ज़ अफरातों से है निकला है और चंद माहरीन का कहना है कि फुरात का लफ्ज़ कुर्द जबान से निकला डे व्यूवर्स अब हम इस तरफ आते हैं कि इस दरियाए फुरात का इस सिलसिले यानी क़्यामत की निशानियों से क्या ताल्लुक है तो इसका ताल्लुक क़यामत कायम होने से कुछ इस तरह है कि हदीस पाक में क़यामत कायम होने से पहले की एक निशानी बताई गई है जिसका ताल्लुक़ दरियाए फरात से है वो निशानी यह है कि कुर्ब क़यामत में दरियाए फुरात का पानी खुद ब खुद खुश्क हो जाएगा और उसकी जमीन फट जाएगी जिससे सोने चांदी और दीगर खजानों की कानें नजर आने लगेंगी दरियाए फुरात में जगह जगह बड़े बड़े सुराख हो जाएंगे जिनसे जमीन में दफन होने वाले खजाने जमीन के ऊपर आ जाएंगे और फिर जब दरियाए फुरात फटेगा तो सोना जाहिर होगा और लोग ये खबर सुनकर सोना हासिल करने के लिए दौड़ पड़ेंगे और तीन टोलियां यानी तीन ग्रुप्स बन जाएंगे और उन तीनों में इस शिद्दत की लड़ाई होगी कि जब वो लड़ाई करेंगे तो उस वजह से बहुत सारे लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठेंगे ये कैसी खतरनाक लड़ाई होगी कितने लोग इसमें मारे जाएंगे इस बारे में हदीसी मुबारक सुनिए नबी पाक सलातम ने फरमाया कि कयामत कायम ना होगी हती के फ़ुरात सोने के पहाड़ से खुल जाएगा उस पर लोग आपस में जंग करेंगे यानी फुरात का पानी खुश्क हो जाएगा और उसकी तह में सोना चांदी का ख़जाना जाहिर हो जाएगा और उस सोने को हासिल करने के लिए उसका मालिक बनने के लिए सल्तनतें जंग करेंगी करेंगीवाम लड़ेंगे यानी सीधे अल्फाज में कहा जाए तो वो सोना क्या होगा जंगो जिदाल की जड़ और हलाकत का सबब होगा हर शख्स यही आस लगाएगा कि शायद ये सारा मुझे मिल जाए चलो किस्मत आजमाई करूं और लोगों से लड़ू भिरूं। इस लड़ाई के नतीजे में प्यारे अकाली अकाल सरतम ने फरमाया हर सौ में से निन्नानवे आदमी जी हां नाइन्टी नाइन लोग कत्ल हो जाएंगे इट मीन नाइन्टी नाइन परसेंट लोग जो इस लड़ाई में होंगे वो मारे जाएंगे हर शख्स यही कहेगा कि शायद मैं ही वो हूँ जो नजात पा जाए इस लड़ाई झगड़े से बचने का तरीका नबी ये पाकर सलात ने हमें यह बताया कि करीब है कि फुरात सोने के खजाने से खुल जाए तो जो वहाँ हाजिर हो वो उसमें से कुछ ना यानी उस सोने चांदी से दूर भागे वहाँ ठहरे भी नहीं क्योंकि उस पर बड़ी लड़ाई और आम कत्लो गारत गिरी होगी नीज उस खजाने के लेने से अजाब इलाही नाजिल होगा बलाएं आएंगी ये माल ये सोना ये चांदी खजाना कारूनी की तरह मनहूस होगा और उससे नफा लेना दुरुस्त ना होगा एक अजीब फितने का दौर होगा नाजी नफसा नफसी का आलम होगा हदीस पाक में आता है कि रसूल सल्हु वसलम ने फरमाया उसकी कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है कि दुनिया खत्म ना होगी हती कि एक आदमी कबर पर गुजरेगा तो वो वहां लौटेगा और कहेगा कि हाय काश इस कबर वाले की जगह मैं होता यानी उस वक्त दुनिया में फितने और आफतें बलाएं इस कदर होंगी कि लोग जिंदगी पर मौत को तरजीह देंगे और कबर को देखकर तमन्ना करेंगे कि इस कबर में हम दफन हो चुके होते यानी लोग इस कदर उन लड़ाइयों और फितनों से परेशान होंगे कि जहां ये सब कुछ हो रहा होगा यानी दरिया फरात ये कोई आम दरिया नहीं है नाजरीन बल्कि दरिया फरात जन्नती दरिया है और कुर्बे कयामत में से दुनिया से उठा लिया जाए हज़रत इब्रब्बास रदी अल्लामा ने फरमाया कि अल्लाह तँच नहरों को जन्नत से जारी फरमाया है जैून सहून दजला फुरात और दरियाए नील पाँचों नदियाँ एक ही चश्मे से जारी होती हैं अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राई सलातम के ज़रिए जन्नत के इस चश्मे को पहाड़ों के अंदर अमानत रख दिया है और पहाड़ों से नहरों को ज़मीन पर जारी फरमा दिया है जिससे लोग तरह तरह के फ़वाद हासिल कर रहे हैं जब याजूज माजूज़ के निकलने का वक्त होगा तो अल्लाह ताला हज़रत जबरइल अल को ज़मीन पर भेजेगा और वो छः चीज़ों को ज़मीन से उठा ले जाएंगे नंबर एक कुरान मजीद नंबर दो तमाम लूम नंबर तीन हजर अस्वत, नंबर चार मकाम इब्राहिम नंबर पाँच हज़रत मूसा आसात वसलाम का ताबूत और नंबर छः ये मस्कूर बाला जो पाँचों दरिया हैं ये ज़मीन से उठा लिए जाएंगे और फिर दीनों दुनिया की बरकतें रूए ज़मीन से उठ जाएंगी और लोग बरकतों से बिल्कुल महरूम हो जाएंगे प्यारे व्यूवर्स इन सारी तफसलत को सुनने के बाद एक बात जो वाजे होती है कि ये निशानी अभी जाहिर नहीं हुई है बल्कि कयामत के कुर्ब में जाहिर होगी और ये वक्त बहुत फितनों का होगा हम बस अल्लाह तबारक मत की पनाह मांगते हैं कि अल्लाह पाक उन फितरों से हमें बचाए दीन इस्लाम पर इस्तकाम अता फरमाए और जब मौत का वक्त आ जाए तो रब करीब हमें ईमान पर ही मौत ताफ़रमाए डियर व्यूवर्स आज के एपिसोड का वक्त ख़त्म हुआ हमारे दावत इस्लामी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए हमारी वीडियोज़ को शेयर भी किया करें ताकि एक ऑथेंटिक मालूम हम सबको मिल सके अगले एपिसोड में एक और कयामत की निशानी लेकर हाज़िर होंगे अल्लाह पाक। हम सबको दुनिया और आखिरत की बरकत अता फ़रमाए दुआओं में याद रखिएगा असलकमल्ला वर्का